आज कहानी है किसान और एक गधे की। तो आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को बताते हैं कि एक किसान और एक गधे की कहानी है। तो किसान अपना अनाज जब मार्केट में बेचने जाता तो उसके पास कोई सवारी नहीं थी और उसके पास एक गधा था। तो एक कुंटल का बोरा जब गधे के ऊपर रखता तो गधा बैठ जाता। बैठ इसलिए जाता क्योंकि गधे के ऊपर एक कुंटल का लोड जब रखोगे तो लेकर चल नहीं पाएगा। तो वो किसान फिर वो बोरा उतार लेता, गधे को फिर उठाता और फिर एक कुंटल का बोरा रखता। तो जब वो गधा फिर बैठ जाता तो लोगों ने कहा उससे कि तुम्हारा गधा बीमार हो गया है, इसे डॉक्टर को दिखाओ। तो उस किसान ने क्या किया, डॉक्टर के पास अपना गधा लेकर गया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरा गधा बीमार हो गया है, इसका कोई इलाज कर दो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या बीमारी है। तो किसान ने कहा कि इसके ऊपर जब मैं एक कुंटल का बोरा रखता हूँ तो गेहूँ का, तो ये बैठ जाता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब ने उस किसान को एक मिर्ची का पाउडर दिया और कहने लगे कि जब ये गधा बैठ जाए तो इसकी पूंछ उठाना और पीछे झोंक देना। तो वो गधा आया और फिर उसके ऊपर बोरा रखा तो वो गधा फिर बैठ गया। तो जब गधा फिर बैठ गया तो उसने बोरा उतार कर और गधे को उठाया और मिर्ची का पाउडर गधे की पूंछ उठाकर उसके पीछे झोंक दिया। अब गधा के ऊपर जब बोरा रखता वो किसान, तो वो गधा 100 की स्पीड से भागने लगा। अब मिर्ची का पाउडर जब उसके पीछे झुका तो उसके जलन पड़ने लगी और वो 100 की स्पीड से भागता रहा। उसके गेहूं बिथर गए। अब वो किसान गधे को ढूंढता रहा और बहुत दूर तक वो गधा भागता भागता चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। और ये थी कहानी एक किसान और गधे की। तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे।